ये नहीं तो ज्यादातर लोग भाई यही समझते हैं कि इंडियन ब्रांड है वो ही हमेशा दूसरी ब्रांड की कॉपी करते हैं। कल लावा ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है लावा ब्लेज 5G एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एक चाइनीज कंपनी TCL का एक स्मार्टफोन है TCL 40R उसका ये डिट्टो कॉपी है। मुझे भी शुरुआत में नहीं लगा था बट जब मैंने ये वाले फोटोज देखे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन्स भाई काफ़ी हद तक सेम लग रहे हैं। एंड ये वाले फोटोज देखने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि लावा ब्लेज 5G TCL 40R का कॉपी है या फिर TCL का स्मार्टफोन लावा ब्लेज 5G का कॉपी है। एंड इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी सारी डाटा कलेक्ट किया जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल जिसको फिलहाल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन ब्रांड्स या फिर इंडियन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर बात कॉपी या फिर इंस्पिरेशन की है तो सबसे पहले हमें को देखना होगा कि इन दोनों फोन में से लॉन्च डेट किसकी कहाँ पे है। सबसे पहले अगर TCL 40R की बात करें तो TCL 40R GSM अरेना के हिसाब से 26 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था यूरोप में। एंड अगर लावा ब्लेज 5G की बात करें तो लावा ब्लेज 5G INC जो कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुआ था उसमें 3 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि करीब 23 डेज पहले लावा लॉन्च हुआ है। एंड इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भाई लावा की कॉपी की है TCL ने, ना कि TCL की कॉपी कर ली लावा ने। एंड एक रिपोर्ट और है TCL जो 40R है वो अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है December 7, क्योंकि करीब भाई अभी 2 महीने बाद है। एंड उस तरीके से देखोगे तो भाई लावा 2 महीने पहले आ चुका है TCL से। एंड यहाँ पे भी TCL फिर अगेन लावा की कॉपी बोला जाएगा, लेकिन सभी लोग तो भाई इंडियन ब्रांड है लावा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलते रहो उसको कंप्रेस करते रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा, मैं इधर हूँ और अगर एकदम आपको सच वाली वीडियोज ही और सच एकदम आपके सामने रखूंगा। और चलो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि लावा ने TCL की कॉपी कर ली। अब आप स्क्रीन पे ये दोनों फोटोज के देखो, सबसे पहले अगर आप बैक पैनल की बात करते हो फ्रंट से तो सेम है एंड फ्रंट से तो आज के टाइम पे 90% स्मार्टफोन एक जैसे ही होते हैं साइज को छोड़ के, बड़ा छोटा नहीं तो सभी में जिनमें वाटर ड्रॉप नॉच है वो सभी सेम दिखेंगे, जिनमें पंच होल है वो सभी सेम दिखेंगे। तो फ्रंट से तो कोई कॉपी वाली बात किसी भी स्मार्टफोन के लिए नहीं है। बैक साइड से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप कैमरा का जो कटआउट है, कैमरा का जो लेआउट है वो देखिए, वो आपको काफ़ी हद तक सेम दिख रहा है। बट आप कैमरा की पोजीशन एक बार देखिए जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है। TCL में अलग तरीके की कैमरा की पोजीशन है, मेन कैमरा ऊपर है उसके बाद है उसके बाद है। लावा में थोड़ी अलग तरीके की पोजीशन है, मेन कैमरा है फिर डायगोनली दूसरा है, डायगोनली तीसरा कैमरा है। और यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो कि दिखने में सेम है बट एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि बिल्कुल डिट्टो कॉपीड है या फिर जो भी है। एंड कॉपी वाली बात तो मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 में ही क्लियर कर दी कि लावा पहले लॉन्च हुआ है। और अगर यहाँ पे अगर आपको कॉपी बोलना होगा तो भाई आप TCL को बोलोगे कि TCL ने लावा की कॉपी कर ली है, ठीक है। तो पीछे से अगर बैक पैनल की बात करें तो बैक पैनल पे जो कैमरा का कटआउट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रही बात बैक पैनल की तो लावा में आपको फ्लैट बैक पैनल मिलता है और 2 कलर में आता है, ये ब्लू और ग्रीन। एंड यहाँ पे ग्लास बैक देखने को मिलता है तो एकदम फ्लैट स्मूथ बैक पैनल है, कोई भी यहाँ पे टेक्सचर कोई भी डिज़ाइन या फिर कुछ भी नहीं बना हुआ। एंड TCL के स्मार्टफोन को आप क्लियरली देखोगे तो वहाँ पे भाई टेक्सचर टाइप बना हुआ है एंड वो प्लास्टिक के साथ आता है, सो सिमिलर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एंड टेक्सचर है तो डेफिनेटली ये डिफरेंट हो गया लावा के स्मार्टफोन से, लावा बिल्कुल फैट है एंड यहाँ पे ये टेक्सचर के साथ आता है। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा कि लावा ब्लेज 5G चलो इंडियन स्मार्टफोन है, इंडिया में लॉन्च हो गया, अमेजन पे लिस्ट हो गया और हमें पता चल गया। बट जैसे ही मैंने TCL 40R को गूगल पे सर्च किया था मेरे को कहीं पे भी ऐसे कुछ कॉन्फिडेंशियल या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस टाइप मेरे को वीडियो नहीं मिला कि TCL 40R कहीं लॉन्च भी हुआ। लाइक कोई भी वीडियोस नहीं था, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था और इवन दो TCL की जो खुद की वेबसाइट है वहाँ पे भी कोई लिस्टिंग नहीं है कि TCL 40R नाम का कोई स्मार्टफोन है। एंड अगर आप यकीन नहीं मानते हो तो इस वीडियो के बाद आप सर्च करके खुद देख लेना। वैसे आज के इस स्मार्टफोन वाले टाइम पे एक दूसरी कंपनियों के कॉपी करते रहते हैं, उसके लिए आप मेरा ये पुराना वाला वीडियो है उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। पहला फोटो देखिए आप, ये वीवो का फ़ोन है, वीवो का आई थिंक पता नहीं कौन सा फोन है, उस वीवो के फ़ोन को देखिए, ये एग्जैक्टली आईफोन जैसा सिमिलर आपको दिख रहा है, बिल्कुल सेम कॉपी है। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवल कलर को छोड़ के और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। दूसरे में आप देख सकते हो कि ये जो MIUI है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके फैन बॉय बन गए, ये है वो है, एग्जैक्टली iOS 13 का कॉपी है, फोटोज़ में आप क्लियर देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो Xiaomi का जो Mi 8 है वो iPhone X की डिट्टो कॉपी है, चाहे आप फ्रंट नॉच देख लो, बैक कैमरा सेटअप देख लो, पीछे कंस्ट्रक्शन भी ग्लास का सेम रखा था, तब कोई नहीं बोलता था कि ये उसकी कॉपी और ये उसकी कॉपी नहीं है। और Xiaomi के तो कई सारे फ़ोन्स हैं, जस्ट लाइक Redmi Note 5 Pro हो गया, Note 6 Pro हो गया, Redmi 6 Pro हो गया, ये सभी अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो iPhone X की कॉपी थे, कैमरा मॉड्यूल और इन सब चीज़ों को देखते हो। मेरी इस वाली वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव था
कि लावा ने कॉपी नहीं की है, नहीं तो ज़्यादातर लोग भाई यही समझते हैं कि इंडियन ब्रांड है वही हमेशा दूसरी ब्रांड की कॉपी करते हैं। जबकि पास्ट में ऐसा भी रह चुका है कि एक बार माइक्रोमैक्स की कॉपी हो चुकी थी, माइक्रोमैक्स का N1V स्मार्टफोन। एंड अभी फिलहाल लावा ब्लेज 5G का टाइम है तो भाई काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। 10,000 रुपीज़ में आपको 4GB प्लस 128GB डायमेंसिटी 750 MP ट्रिपल कैमरा नॉट डुअल, कई सारे स्मार्टफोन डुअल देते हैं, 5000mAh बैटरी, ग्लास बैक देना, ये सारी चीज़ें भाई इजीली पॉसिबल नहीं होती हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना यार, काफ़ी मेहनत लग जाती है रिसर्च करने में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।